नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, राजधानी पटना में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान फायरिंग की खबर सामने आई है। पटना के नाला रोड में खबर, स्थानीय लोगों के अनुसार 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग उस वक्त हुई है जब एक छात्रवास, शैतपुर छात्रवास के छात्र विसर्जन के दौरान निकले तो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उन्हें निकाला जा रहा था। सिपाहियों के बीच, पुलिस कर्मियों के बीच जुलूस को स्कॉर्ट किया जा रहा था। बावजूद इसके 4 से 5 राउंड कुछ लोगों ने विसर्जन के दौरान फायरिंग की है। आप जानते हैं कि लगातार ऐसे मामले पटना में निकलकर सामने आते हैं। पटना ही नहीं, बिहार में भी ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं। जब किसी पूजा के बाद विसर्जन होती है तो विसर्जन में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लोगों को भय करने के लिए, वहां पर कानून व्यवस्था को ऐसे वैसे करने के लिए कुछ लोग अलग अलग तरकीबें अपनाते हैं। और इसी बीच देखिए, कुछ लोग बताए जा रहे हैं, कुछ छात्र बताए जा रहे हैं, वहां पे लोगों के अनुसार असामाजिक तत्वों ने इस मामले को जो है ये अंजाम दिया है और लगातार 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई है। ये उस समय फायरिंग हुई जब सैदपुर छात्रवास के छात्र मूर्ति विसर्जन के दौरान निकले और निकलने के साथ ही जब वो नाला रोड पहुंचे तो नाला रोड में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा नाला रोड और पूरा पटना गूंज उठा। देखिए, एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि पटना में डीजे पर भी रोक थी और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय या फिर सैदपुर छात्रवास का विसर्जन होना था। पुलिस कर्मियों के स्कॉट के बावजूद, स्थानीय थाना के स्कॉट के बावजूद ये मामला सामने निकल कर आ रहा है और एक बहुत बड़ी घटना है। इलाके में हड़कंप मच गया है क्योंकि जिस तरह से छात्रों का ये मामला सामने आया है, जब पटना विश्वविद्यालय में चुनाव चल रहे थे, चुनाव के संपन्न होते ही जब ईवीएम जा रहे थे उस वक्त भी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। और अब देखिए, एक बार फिर से सरस्वती पूजा का विसर्जन जब वहां पर जुलूस के द्वारा निकाला जा रहा था तो सरस्वती पूजा के नाम पर गुंडई छात्रों के द्वारा देखने को मिल रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, वहां पर देखा जा रहा है कि आखिर ये फायरिंग की वारदात किसने की, किसने वहां पर कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की। चूंकि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने और आज पटना में जिस तरह से बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जेएस गंगवार ने भी साफ साफ कह दिया था कि अगर कोई भी इधर उधर करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, तो अब देखना है कि जिस तरह से इन दोनों अधिकारियों ने ये बातों को रखा था तो क्या होता है। क्योंकि एक बड़ी वारदात है सरस्वती पूजा के नाम पर, कहीं ना कहीं पटना में गुंडई देखने को मिली है और लगातार ऐसे मामले पटना में और बिहार में खास तौर पर देखने को मिलते हैं। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।